नफरत जो है वो आज हार गया, मोहब्बत जीत गया है। जी हाँ दोस्तों, आज एक ऐसी वीडियो दिखाने वाली हूँ जिसको शिद्दतों से नफरत के आग में झोंकने की पूरी कोशिश की गई थी नफरती चिंटुओं की तरफ से, अंधभक्तों की तरफ से, नफरती गैंग की तरफ से, लेकिन उनका नफरत कहीं से कहीं तक नहीं टिका। आज साबित हो गया है कि हिंदुस्तान जो है हिंदुस्तानियों के दिल में बसता है, और वो है मोहब्बत, वो है प्रेम, और वो है भाईचारा। जिस तरीके से फिल्म को लेकर, पठान फिल्म को लेकर बाइकॉट बाइकॉट ट्रेंड चलाया गया, वो ट्रेंड किस तरीके से अनसक्सेसफुल हुआ है, उसकी तस्वीरें कुछ झलक सोशल मीडिया पर खूब तेजी से वायरल हो रही है। ये तस्वीर, ये वीडियो आप देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि थिएटर में जो है किस तरीके से मोहब्बत बरस रहा है और मोहब्बत कैसे लुटाया जा रहा है वो साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। एक फिल्म को बाइकॉट करने के लिए, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो फिल्म शाहरुख खान की थी, उसमें दीपिका ने भगवा कलर की बिकनी पहन ली थी, इसलिए नफरती चिंटुओं को एक जो है नफरत का बीज मिला था, और उस नफरत के सहारे वो सोच रहे थे कि हिंदुस्तान के लोगों के दिलों में नफरत भर देंगे। लेकिन वो शर्म की बात है दोस्तों, उनको धिक्कार की बात है कि हिंदुस्तान में रहते हुए भी ये लोग कैसे हिंदुस्तान के स्टार को, जो हर जगह पर, दुनिया पर, दुनिया में हर जगह पर अपना नाम रोशन करते हैं, हिंदुस्तान का नाम रोशन करते हैं, उनके पीछे वो लगे पड़े थे जो है राष्ट्र विरोधी और धर्म विरोधी और ना जाने क्या क्या नामों से इन लोगों ने नवाजा था। जो भी गंद फैलाना था इन्होंने दोस्तों गंद फैलाया था, और कैसे जो है धर्म को टारगेट करने की कोशिश की गई थी। लेकिन अफसोस की बात कि उन तमाम नफरती चिंटुओं का आज मुंह बंद हो गया है। आप इस वीडियो में देख सकते हैं दोस्तों, जो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है, जब आज पठान फिल्म का पहला शो थिएटर में लगा और दर्शकों का जो प्यार था, दर्शकों का जो जोश था, वो देखने लायक है। तमाम थिएटर में, अगर तस्वीरों में इस वीडियो में देखेंगे तो किस तरीके से जो थिएटर में लोग हैं वो उछलते हुए नजर आ रहे हैं, वो इतने जोश में नजर आ रहे हैं, इससे पहले शायद ही किसी फिल्म में देखने को इतना जोश मिला है। जिस तरीके से पठान फिल्म को देखकर लोगों का जोश जो है उबाल मारता हुआ नजर आ रहा है। और सबसे दुख दर्द की बात यह है दोस्तों कि सुरेश चौहान के जो है, जो इस फिल्म को बाइकॉट बाइकॉट का जो झंडा लेकर के नाच रहा था, भगवा झंडा लेकर जो घूम रहा था, वो पूरी तरीके से धराशाही हो गया, और सुरेश चौहान के इस कदर पागल हो गया, बौखला गया कि गाली गलौज करने लग गया है। एक समुदाय को सीधे तौर पर ये गाली देता हुआ नजर आ रहा है। आपको उसके तमाम ट्वीट्स दिखाऊंगी, लेकिन दोस्तों सबसे पहले आप ये वीडियो देखिए, पठान फिल्म के पहले शो का है, जब दर्शक इस फिल्म को देखने थिएटर में पहुंचे थे, जहां पर जो है पांव रखने की जगह नहीं है, इतनी ज्यादा भीड़ दिखाई दे रही है, इतनी ज्यादा जो लोगों का हुजूम है इस वीडियो में नजर आ रहा है। आप साफ तौर पर इस वीडियो को देखिए जो कि सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रही है। आप देखिए इस वीडियो को, देखा दोस्तों सुरेश चौहान के सुबह से ही आज फटाफट न्यूज बना हुआ है, फटाफट न्यूज दे रहा है, एकदम जबरदस्त तरीके का पठान फिल्म का विरोध बता रहा है, यहाँ पर आग लगा दिया गया है, वहां पर थिएटर बंद हो गया, वो खाली हो गया, पता नहीं कहाँ से ये खबर लेकर रख के आ रहा है। हालांकि इस तरीके की चीजें हो रही है, लेकिन जो थिएटर में बताया जा रहा है कि थिएटर फुल नहीं हो रहा है, बुक नहीं हो रहा है, सीट्स जो है वो खाली पड़ी है, ये सिर्फ जो मनगढ़ंत कहानी जो है ये सुरेश चौहान के फैलाता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि आग लगाने वाले लोगों की संख्या आप इस वीडियो से जो है कंपैरिजन कर सकते हैं। ये देखिए सुरेश चौहान के ने एक वीडियो शेयर किया है, और आगे भी दिखाऊंगी एक वीडियो जिसमें वो गाली गलौज करता हुआ नजर आ रहा है। तो आप सीधे देखिए कि सुरेश चौहान के ने एक वीडियो शेयर किया है और लिखा है कि अनुमान के अनुसार 10,000 से अधिक पोस्टर होर्डिंग्स फाड़े गए हैं पठान फिल्म के देश भर में, ब्रेकिंग न्यूज पठान का बहिष्कार। आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर कितने लोग आपको नजर आ रहे हैं, मुझे तो एक दो और तीन लोग यहाँ पर नजर आ रहे हैं जो पोस्टर बैनर फाड़ते हुए नजर आ रहे हैं, जिनको नफरत
का ठेका मिला हुआ है, नफरत जो फैलाने का जो काम करते हैं। यहाँ पर सिर्फ आपको इस वीडियो में तीन लोग नजर आ रहे हैं, लेकिन दूसरी वीडियो आपने देखी थिएटर की, जो पहले दिन की पहली ओपनिंग है, वो आपको दिखाई दे रहा है कि कितनी भीड़ है, लोगों की संख्या क्या है, वो सब आप नजर लगा सकते हैं, अंदाजा लगा सकते हैं। थिएटर के अंदर की बात है, ये थिएटर के बाहर की है, जहां जहां पर पोस्टर लगा हुआ है। कुछ जो तीन लोग है वो इस पोस्टर को फाड़ते हुए नजर आ रहे हैं। सीधे तौर पर मैंने पूरी वीडियो खंगाल ली, इसमें कोई हुजूम कोई जो है नजर नहीं आ रहा है, लोगों का भीड़ नजर नहीं आ रहा है, तो ये स्थिति है। तो इन तीन लोगों के पोस्टर फाड़ देने से क्या हिंदुस्तान में जो हिंदुस्तानियों का प्रेम है, जो गंगा जमनी तहजीब है, वो खत्म हो जाएगी? कहाँ जो है दोस्तों 140 करोड़ हिंदुस्तानी है, और उसमें तीन चार लोग नफरत का जो झंडा लेकर खड़े हुए हैं, उनका ये मुकाबला कर पाएंगे? कतई नहीं कर पाएंगे। तो आप इस वीडियो को भी देखा, अब दूसरी वीडियो सुरेश चौहान के की तरफ से शेयर किया गया, मैं इसी की तस्वीरों को दिखा रही हूँ। मैं ज़्यादा दूर तक लेकर नहीं जाऊँगी, ज़्यादा जो है आपको अंदर तक लेकर नहीं जाऊँगी, बाहर बाहर की तस्वीरें दिखाऊँगी कि कितने हाथ यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। भगवा झंडा लिए चार पाँच जो मुंडी हैं, चार पाँच जो सर हैं, वो नज़र आ रहे हैं कि पठान का पोस्टर फाड़ रहे हैं। ये इनका बहिष्कार गैंग है, जो बहिष्कार कर रहा है, पोस्टर को फाड़ते हुए हटाते हुए ले जा रहा है। दादागिरी आप साफ तौर पर यहाँ पर देख सकते हैं कि 5 से 8 लोग जो है इस विरोध में शामिल हैं। तो ये इनका विरोध का जो गैंग है वो नज़र आ रहा है। तमाम तस्वीरें आपके सामने हैं। अब आपको दिखाती हूँ सुरेश चौहान के जो गाली गलौज करता हुआ नज़र आ रहा है, कैसे जो है एक समुदाय को निशाना बनाता है और अपने टीवी पर भी गाली शब्दों का इस्तेमाल करता है। देखिए सुरेश चौहान के ने एक वीडियो ट्वीट करते हुए लिखा कि पठान गैंग बेनकाब, राजधानी दिल्ली के कनॉट पैलेस के पीवीआर में इंसान तो क्या सुअर तक नहीं दिख रहे हैं। सुअर से संबोधित ये किस कौम को करते हैं आपको अच्छे से पता है, लेकिन सबसे बड़े ये क्या है आप मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं, मुझे अपनी ज़ुबान ख़राब करने की ज़रूरत नहीं, इनके लेवल पर गिरने की ज़रूरत नहीं, ना ही आपको इनके लेवल पर गिरने की ज़रूरत है। तो आप देखिए कि कैसे ये लोगों को बता रहे हैं, इनके जो पत्रकार महोदय हैं वो गए हैं बताने के लिए कि जो है पीवीआर जो कनॉट पैलेस है वहाँ पर लोग नहीं आ रहे हैं, लोग फिल्म को देखने नहीं पहुँच रहे हैं। लेकिन अफसोस की बात, सुरेश चौहान के को ये वीडियो ज़रूर देखना चाहिए जहाँ पर लोगों का हुजूम है, थिएटर में भीड़ लगी हुई है। ये कौन से साइड वाले जगह पर खड़े हुए हैं ये तो वही बता सकते हैं, क्योंकि फेक फर्जी खबरों में ये लोग मास्टर हैं। कैसे फेक फर्जी खबरें ये लोग मास्टरी करते हैं, फेक फर्जी खबरों को आगे ठेलने का आपको अच्छे से पता है। तो इनका जो गुस्सा है वो साफ तौर पर नज़र आ रहा है, तिलमिलाहट साफ तौर पर दिखाई दे रही है कि एक फिल्म को बायकॉट करने निकले थे लेकिन लोगों ने इनका बायकॉट कर दिया है, लोगों ने इन्हें जो है इनकी औकात दिखा दी है कि असली औकात इनकी कहाँ है, और ये जो नफरती चैनल है इनको जल्द से जल्द बंद होना चाहिए। जिस तरीके से CGI का जो बयान था वो बिल्कुल सटीक बयान था कि इतने दिन हो गए हैं इन्हें अभी तक जेल में क्यों नहीं बंद किया गया है। जी आदेश के चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ का ये बयान था। तो इनके लिए जेल ही सबसे अच्छी जगह है, ये बाहर रहकर देश में कैसे देश के लोगों को दूषित करने का काम कर रहे हैं, नफरत बांटने का काम कर रहे हैं आपके सामने है। गाली गलौज पर किस तरीके से उतर आए हैं, इनकी बौखलाहट से, इनके ट्वीट से, इनके जो आव भाव है, इनके ढंग है, इनके सोशल मीडिया अकाउंट से आप नज़र लगा सकते हैं, अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इनकी बौखलाहट कहाँ से कहाँ तक है, इनकी छटपटाहट कहाँ से कहाँ तक है। दोस्तों इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया हमें कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जल्दी से जल्दी वीडियो को आगे शेयर कीजिए ताकि देश के तमाम जनता तक ये पहुंच सके कि जिस फिल्म को ये बहिष्कार कर रहे थे, बायकॉट कर रहे थे, इनके मुंह पर उस फिल्म ने धड़ाम से जो है मार कर इन्हें चारों खाने चित कर दिया है। चारों खाने ये चित हो गए हैं क्योंकि इनका कलबल छल कहीं पर भी नहीं चला है। धन्यवाद।